Assalamualaikum friends, I'm your host and you're watching Fragrance Files. So आज जिस fragrance का हम review करेंगे, उसका नाम है Titan by Lavern. 100 ml का juice है इसमें और EDP concentration है इसका. कुछ इस तरह के box और packing में आती है and it's made in Saudi Arabia. So box को open कर लेते हैं और देखते हैं narbol किस type की है. Lavern एक Saudi Arabian based niche fragrance house है जो कि 2021 से fragrances में काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये house ना सिर्फ अपनी top notch quality बल्कि आए दिन new releases की वजह से काफी demand में रहने के साथ बाकी Saudi Arabian fragrance houses को काफी tough market competition दे रहे हैं. Lavern का मतलब elder tree है और उस लकड़ी की खूबी ये है कि वो waterproof होती है और ज्यादातर कश्तियों की bottom या निचले हिस्से को बनाने में use की जाती है. और Titan के दो मतलब है जिनमें से पहले का मतलब ग्रीक mythologies में powerful warrior या ताकतवर शख्सियात और family का नाम है और दूसरे का मतलब एक सयारा या planet का नाम है जो कि निजामे शमसी या सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा सयारा या प्लेनेट है. और नासा के मुताबिक हमारी जमीन के बाद टाइटन वाहिद ऐसा सयारा या प्लेनेट है जिसकी सतह पर दरिया समंदर और झील की शक्ल में मायानात या ट्रेसेस मौजूद हैं और साथ ही टाइटन प्लेनेट के एटमॉस्फेयर या माहौल में 95% नाइट्रोजन और 4% मीथेन और बाकी गैसेस शामिल है. ओके सो हियर इज द बॉटल. बॉटल की शेप बिल्कुल अपने पिछले 100 ml फ्लैंकर्स की तरह मगर इस बॉटल के कलर्स काफी ज्यादा अपीलिंग है. एक डार्क टू लाइट ब्लू ग्रेडियंट शेड की बॉटल है मगर बॉटल का निचला हिस्सा ट्रांसपेरेंट है. बॉटल के सेंटर पर फ्लैंकर का नाम और व्हाइट लेपर्ड जो कि कंपनी का लोगो है और नीचे कंपनी का नाम मेंशन है. उसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है. एक नॉर्मल वेट फाइन प्लास्टिक का कैप है इसका जो कि बिल्कुल सिंपल मगर खूबसूरत है मगर कैप ज्यादा स्नग फिट नहीं है सो कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है. वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेगरेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और मैंने अब तक इस हाउस की काफी सारी फ्रेगरेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं जो कि आपको इस चैनल पर Lavern की एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे. और आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की और भी फ्रेगरेंसेस के रिव्यू शेयर करूंगा जो कि आपको इस चैनल पर Lavern की इसी सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे. सो इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं. इसके टॉप नोट्स में इटालियन लेमन एलिमी पिंक पेपर और एप्पल है. मिडिल नोट्स में प्रलीन जूनिपर लेवेंडर क्लेरिसेज और जिरेनियम है और बेस नोट्स में सैंडलवुड वर्जीनिया सीडर पचुली वेटिवर और टोंका बीन है. और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है. इसका फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको एक फ्रेश सिट्रसी और बिटर बर्गमॉट के नोट के साथ हल्के से फ्रेश ग्रीन एप्पल और फ्रेश और स्पाइसी ग्रीन नोट्स और थोड़े से मिंटी नोट्स फील होंगे. 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेगरेंस थोड़ी सी स्मोकी होने के साथ ग्रीन स्पाइसी और अर्दी हो जाती है और इस फेज में आपको फ्रेश ग्रीन एप्पल और फ्रेश हर्बल और स्पाइसी ग्रीन नोट्स के साथ थोड़े से मिंटी नोट वेटिवर और वुडी नोट्स फील होंगे. 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राइडाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राइडाउन आने तक आपको फ्रेश और स्पाइसी ग्रीन नोट्स के साथ हल्के से स्वीट वेनिला वेटिवर और वुडी नोट्स फील होंगे. सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेगरेंस है. ये एक फ्रेश सिट्रसी ग्रीन स्पाइसी हर्बल एरोमेटिक लाइट स्मोकी अर्दी मामूली सी स्वीट और वुडी फ्रेगरेंस है. इस फ्रेगरेंस को जब मैंने फर्स्ट टाइम वेयर किया था पहली वेयरिंग में ये फ्रेगरेंस पकड़ में आ गई थी कि ये किसका क्लोन है और इस डीएनए से मिलती जुलती 3 और फ्रेगरेंसेस मेरे पास पहले से मौजूद हैं, जिनमें से एक ओरिजिनल का रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद है और बाकी 2 के रिव्यूज मैं कुछ ही दिनों में शेयर कर दूंगा. मजीद इस फ्रेगरेंस की तारीफ में फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जिस फ्रेगरेंस का क्लोन है YouTube उसकी तारीफ से भरा पड़ा है. ओवरऑल इस फ्रेगरेंस के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये वर्ल्ड की मोस्ट फेमस और मास अपीलिंग फ्रेगरेंसेस के डीएनए में से एक है और इस फ्रेगरेंस का शुमार भी उन खूबसूरत फ्रेगरेंसेस में होता है कि जब भी आप बहुत सी फ्रेगरेंसेस के बीच कंफ्यूज हों या जल्दी में डिसाइड ना कर पाए कि कौन सी फ्रेगरेंस वेयर की जाए तो आप बिना सोचे इस फ्रेगरेंस को कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं और अगर आप इसे ब्लाइंड बाय भी कर लें तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे. एज की बात कर लेते हैं. ये एक फ्रेश ग्रीन और स्पाइसी मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं. वेदर की बात कर लेते हैं. ये एक ऑल सीजन फ्रेगरेंस है जिसे आप एक्सट्रीम समर्स में भी काफी एंजॉय करेंगे. आप इसे इंडोर आउटडोर ऑफिस कॉलेज पार्टी किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं. परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं. 6 से 8 स्प्रे वेयर करने पर 2.5 से 3 घंटों के करीब इसकी एक अच्छी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटा एक आमलेन तक इसका सियाज है और 8 से 9 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है. प्राइस की बात कर लेते हैं. प्राइस पे बात करने से पहले आप में से काफी सारे फ्रेंड्स के प्राइस को लेकर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं. सो क्योंकि एक सऊदी अरेबियन हाउस की फ्रेगरेंस है और आए दिन सऊदी अरेबियन फ्रेगरेंस हाउसेज में सेल और डिस्काउंट ऑफर्स चलती रहती हैं, जिनमें काफी बार इनकी प्राइसेस हाफ हो जाती हैं. सो अगर तो आप सऊदी अरेबिया से खुद ही बाय करेंगे तो आपको आज की डेट पर ये फ्रेगरेंस 7.5 से 8 हजार रुपए के बीच मिलेगी. मगर पाकिस्तान में सऊदी अरेबियन फ्रेगरेंसेस की प्राइसेस हर सेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन और ट्रांसपोर्ट चार्जेस रखकर अलग अलग ऑफर्स करते हैं. सो क्योंकि आप में से ज्यादातर व्यूअर्स पाकिस्तानी मार्केट के प्राइसेस पूछते हैं सो मैं आपको आज तक की डेट के मुताबिक वही प्राइस ब्रैकेट दे सकता हूँ जिसमें ये आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है कि आगे करेंसी फ्लक्चुएशंस या ऑफर हटने के बाद इसकी प्राइस मजीद कम या ज्यादा हो सकती है क्योंकि ये लोकल फ्रेगरेंस नहीं है जिसकी प्राइस की हमारी मार्केट में एक्यूरेसी हो. सो क्योंकि ये फ्रेगरेंस मुझे गिफ्ट आई है इस वजह से मैं इसकी एग्जैक्ट लोकल प्राइस नहीं बता सकता मगर फिर भी मालूम करने पर पता चला कि आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 100 ml की प्राइस 11,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए के बीच है.
और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं दी पोशन ऑफ इन्फिनिटी नाम दूंगा। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। इसे रेटिंग दे रहते हैं। सेंड प्रोफाइल को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि फ्रेग्रेंस किसका क्लोन या किससे सिमिलर है। सो ये फ्रेग्रेंस YSLY EDP का 80-90% क्लोन है और YSLY EDP का रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद है। और 80-90% का स्कोर मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर इसे ओरिजिनल YSLY EDP के साथ साइड बाय साइड कंपेयर किया जाए तो इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की ओपनिंग से मिड फेज तक सिर्फ 19-20 का फर्क है, मगर ये दोनों फ्रेग्रेंसेस जब तक ड्राई डाउन तक पहुंचती हैं तो YSLY EDP की निस्बत इस फ्रेग्रेंस के ग्रीन और स्पाइसी नोट्स थोड़े से लाउड रहते हैं, मगर उसके बावजूद ये फ्रेग्रेंसेस इस हद तक क्लोज हैं कि अगर आप ये भूल जाएं कि आपने किस हाथ पर ओरिजिनल और किस हाथ पर इस फ्रेग्रेंस को वेयर किया है तो आपके लिए ओरिजिनल का बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ ये फ्रेग्रेंसेस सिमिलर हैं बल्कि इनकी परफॉर्मेंस भी एग्जैक्टली सेम है, जिसकी वजह से ये प्राइस को 100% जस्टिफाई करती है। सो अगर तो आप YSLY EDP का अब तक का सबसे बेस्ट और सस्ता क्लोन बाय करना चाहते हैं तो आज की डेट तक मैंने इससे बेहतर ऑप्शन यूज नहीं किया जो कि क्वालिटी और सिमिलैरिटी के साथ साथ परफॉर्मेंस में भी ओरिजिनल को टक्कर दे दे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आया तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।